ध्रुव, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं आ रहा हूँ अकु, और जब तक आ नहीं जाता शादी ऑन है, फिर आके डिसाइड करते हैं क्या करना है, ओके? यार मजाक मत करो, कब तक आ रहे हो? अब क्यों नहीं करनी शादी? ध्रुव, अब क्या हो गया आकृति, क्यों नहीं करनी शादी? तुम मेरी बात सुनो ध्रुव, हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी फैमिलीज बहुत अलग हैं। तुम्हें पता है कल रात को तुम्हारी मम को कॉल आया था, तुम्हारी बारात में 700 लोग आ रहे हैं, 700 पीपल ध्रुव। अब रिसेप्शन भी हो रहा है हमारा, कब हुआ ये डिसाइड? यार हम दोनों की शादी है और हम ही दोनों इन्वॉल्व नहीं है उसमें। आकृति, 700 लोग, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, और रिसेप्शन तो हम ही कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना, तुम्हारी मॉम ने क्लियर वर्ड्स में बोला था 700। ध्रुव हर बार गलत नहीं होती यार मैं। अरे मैंने कब बोला तुम गलत हो? कभी ये बोला है कि मैं सही हूँ? उस दिन ज्वेलरी शॉप में गए एंगेजमेंट रिंग लेने, पर तुम्हारी मॉम ने रिजेक्ट कर दी, तुमने कुछ नहीं बोला। वो रिजेक्ट थोड़ी की थी उन्होंने, वो तो सिर्फ उन्हें बस थोड़ी पसंद नहीं आई थी। ठीक है यार, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को मैं भी पसंद नहीं हूँ, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे। आकृति, आकृति सुनो यार, अब ये किसने बोला तुमको? किसने बोला? उनकी शक्ल पे साफ दिखता है ध्रुव, हम उनसे पहली बार मिले थे, मैंने उन्हें एक साड़ी गिफ्ट की, उनको आज तक पसंद नहीं आई वो। वो नहीं पहनती इतना रेड, इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है? उन्हें साड़ी तो पसंद आ नहीं रही, मैं कहां से पसंद आऊंगी? हकू, यू जस्ट ओवरथिंकिंग। अभी तुम उनसे सिर्फ 4 या 5 बार मिली हो, ना तो वो तुम्हें जानते हो और ना ही तुम उनको जानती हो, टाइम लगता है। शादी के बाद भी तुम यही बोलोगे? अरे यार वो अमृतसर में रहते हैं, हम हार्डली उनसे मिलेंगे, और जितना मैं उनको जानता हूँ और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी बहुत पटेगी आपस में, और इतनी पटेगी कि मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी में कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी। यू नॉट गेटिंग इट ध्रुव, मैं अपनी मम्मी से लड़ सकती हूँ, आर्ग्यू कर सकती हूँ, तब भी हम दोनों के बीच में चीजें वापस सेम हो जाएंगी, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अरे तो मैं हूँ ना, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, पुत्र मारे छित्तर तावी रहंदा पुत्र। और ये जो आर्ग्यू करना है, जो लड़ना है, तुम मुझसे कर लेती हो, अब सबसे लड़ना है क्या? अगर उन्होंने मुझे ड्रेस पहनने से मना किया तो? यार वो साल में 3 या 4 बार हमारे से मिलने आएंगे, तब कर लेना थोड़ा सा एडजस्ट, बाकी तुम जो मर्जी पहनो, मैं तुम्हें बोलता थोड़ी हूँ कुछ। तुम पलट जाओगे ध्रुव। नहीं पलटूंगा मेरी माँ। तुम पलट जाओगे, पता है मेरे को। अच्छा एक ग्लास पानी तो पिला दो, मेरा खून पी लो। तुम्हारी मम्मी को पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? मुझे पता है ना, काफी है। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे सिर्फ मैगी कॉफी और पानी उबालना आता है। हाँ तो तुम पानी उबाल देना और मैं दाल बना दूंगा। और तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम आज तक सिर्फ 1 घंटे के लिए मिली हो उनसे, थोड़ा टाइम दो, फिर तुम सिखा देना उनको मैगी कैसे बनती है, और वो तुम्हें दाल बनाना सिखा देंगी। तुम्हें सब इतना ईजी कैसे लगता है? तुम्हें सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? पता नहीं, बात ही नहीं। कुछ सेट यार, वील टॉक प्लीज। तुम्हारे घर वालों ने अगर हमसे कार की डिमांड की तो? अफोर्डेबिलिटी इश्यू नहीं है, पर हमने डिसाइड किया था ना, हम थोड़ा लो की रखेंगे सब। कार की डिमांड? तुम्हें लगता भी हम कार की डिमांड कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, काम डाउन। अच्छा ये देखो, बॉम्बे वाले ब्रोकर ने कुछ ऑप्शंस भेजे हैं घर के, ये। मुंबई वाला ब्रोकर क्यों? ये तो डिसाइड हुआ था ना कि हम दिल्ली में रहेंगे। हाँ बट हम 2 साल के लिए जा रहे हैं ना, वापस आ जाएंगे, सेटल थोड़ी हो रहे हैं। मेरी जॉब को क्या होगा ध्रुव? नहीं नहीं, वी हैव डिसाइडेड हम दिल्ली में रहेंगे। अच्छा ठीक है, हम दिल्ली में कुछ फिगर आउट कर लेंगे, दिल्ली में भी कुछ हो जाएगा। अब ये भी फिगर आउट कर लेंगे हम। तो क्या करें और? नहीं यार तुम देख रहे हो ध्रुव, वी आर वेरी डिफरेंट, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, जस्ट लुक एट दिस, हम दोनों की नहीं बन सकती आपस में, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो बना लेंगे, इतनी बुरी नहीं हो तुम। यार अजीब आदमी हो तुम। तुम बैठो इधर, पर अब मुझे आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है ध्रुव? और वो छोड़ो, तुम तो कहते तुम मेरी आंखें देख के समझ जाते हो ना, लो देखो। देख लिया, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये ध्रुव, हमारी शादी हो रही है,
हम दोनों इन्वॉल्व नहीं है। 500 ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको ना आज तक तुमने देखा है ना मैंने, ना हम उन्हें कभी देखेंगे। इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है और इतने फंक्शंस क्यों कर रहे हैं? डिसाइड किया था ना छोटी सी शादी करेंगे सब कुछ। आकू शादियां ऐसी ही होती हैं, सब रिश्तेदार आते हैं और वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है ये। वंस इन अ लाइफ टाइम तो हमारे अकॉर्डिंग करते हैं ना, हम रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हैं? यार मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनके भी कुछ विशेज हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इकलौते, एक काम करो, घोड़ी पे क्यों आ रहे हो, हाथी पे आ जाओ। इकलौते हो, मुंबई में फ्लैट क्यों ढूंढ रहे हो, मालदीव्स में विला ढूंढ लेते हैं। और एक शादी क्यों, दो कर लो। तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो, मेरे घर में 10 साल के बाद शादी हो रही है, कुछ तो ग्रैंड करेंगे। और वैसे भी हम लोग अमृतसर के पंजाबी हैं, इन लोगों को छोटा वोटा समझ नहीं आता। नहीं ध्रुव, ये नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे नहीं हो सकता। हमने बहुत जल्दी में स्टेप ले लिया है। जल्दी में स्टेप लिया, हम 6 साल से साथ में। पर तो वो कुछ नहीं, शादी, मम्मी, रिसेप्शन सब कुछ देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, वी टुगेदर इन दिस। मुझे ऐसा लगता है हम शादी नहीं, मेरा जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस? और जो तुम हर रोज मेरा जूस बना रही हो उसका क्या? बात बात बोल देती हो कि शादी नहीं करनी, कोई मजाक है ये? तो तुम्हें पता तो है मैं ऐसी ही बात करती हूँ। ऐसी ही बात करती हूँ? अगर मैं ऐसी बात कर दूँ ना, एक बार मान जाओगी तुम और कैंसिल करा दोगी शादी के कार्ड की प्रिंटिंग। ऐसी हूँ पता तो है, इसमें क्या बोलूँ मैं तुमको। हर चीज से भाग क्यों रही हो? देखो हमने शादी का डिसीजन जल्दी में नहीं लिया, सोच समझ के लिया, बात करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? अब क्या करना है? अब तुम बात करो अपने घर पे और मैं अपने घर पे बात करता हूँ। हेलो, हाँ मैं फ्री हूँ, आप? हाँ बात करनी थी। यार आपने 700 लोग बुला लिए शादी में, क्या मतलब है? बताया भी नहीं मुझे, एक बार बात तो कर लिया करो, पता है कितनी टेंशन में आ गई थी वो। और हमको नहीं चाहिए गाड़ी वाड़ी, ठीक है? ये चीज़ें आप मेरे से डिस्कस करने के बाद किया करो। हाँ नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ फिर, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाय। खुश हो अब? उन्हें बुरा नहीं लगा होगा। यार तुम अजीब बाइपोलर हो, अभी तुम बोली थी सॉल्यूशन निकालते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, अब बुरा नहीं लगा होगा। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, और अगर फोटोग्राफर का कॉल आएगा तो बता दूंगा। ठीक है। कुछ भूल गए क्या? ये तो वही रिंग है। मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए रख ली थी, भूला नहीं था मैं। शादी नहीं करनी है मुझको। ए, फिगर आउट कर लेंगे आकू। कर लेंगे। Hey guys, आजकल मंगनी से लेके मंडप तक जाने का सफर किसी शादी निभाने से कम नहीं है। अब ये तो मान गए तो आप भी मान जाइए। हमें लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें। मुझे शादी नहीं करनी। अब क्या हो गया? बाय गाइस।